हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें हमने न्यूक्लियोइड को डील कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट वन जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड आल्सो नोन एज द मिनी क्रोमोसोम, मिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए हमने किसको बोला था? न्यूक्लियोइड को बोला था। ये उसके बाहर है, उसके आउटसाइड है, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसकी एक्टिविटी किसी भी तरीके से न्यूक्लियोइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। आज का हमारा ये लगभग पूरा वीडियो इसी प्लाज्मिड के ऊपर बेस्ड रहेगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वो हमें हर एक चीज डिटेल से देखनी है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आई थिंक इसी के ऊपर रहेगा, प्लाज्मिड के ऊपर। फर्स्ट लिया हु डिस्कवर द प्लाज्मिड, तो आ जाएगा प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय बाय टेटम। टेटम ने इसको फाइंड आउट किया था। उसके बाद में हु गिव द टर्म प्लाज्मिड, प्लाज्मिड टर्म गिवन बाय लेडरबर्ग एंड हे, या फिर हेज। डिस्कवर किसने किया था? टेटम ने। और जो प्लाज्मिड टर्म है वो किसने दी थी? लेडरबर्ग और हे ने दी थी। प्लाज्मिड सिर्फ और किस सिर्फ किसमें मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? ये अब्सेंट होगा। तो प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, नॉट इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया के अंदर इसके नंबर कितने देंगे? तो हम नंबर की बात कर सकते हैं। कुछ पुरानी बुक में दे रखा है आपका 1 to 100 दे रखा है, बट जो अपडेटेड बुक आ रही है वहां पर नंबर दे रखे आपके 0 to 200 तक दे रखे हैं। उसका रीजन 0 का ये है कि बैक्टीरियल सेल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? 0 यूज कर लेंगे। हमने बोला था कि जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, लेकिन अगर प्लाज्मिड नहीं है तो भी बैक्टीरिया क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो वो बैक्टीरिया की क्वालिटी को क्या कर देगा? इंप्रूव कर देगा। तो इसके नंबर 0 to 200 तक हो सकते हैं एक सेल के अंदर। वो जो टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड है एक बैक्टीरियल सेल में, दैट इज नोन एज द कॉपी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कॉपी नंबर बोलते हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट इन ए बैक्टीरियल सेल नोन एज कॉपी नंबर, उसको हम कॉपी नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम इसके वेट की बात करें, इसका जो वेट है दैट इज नियर अबाउट 5 × 10^7 to 7 × 10^7, ये इसका मॉलिकुलर वेट है। अगर हम नेचर की बात करें कि इसका नेचर क्या है, तो नेचर में हम बोल देंगे कि जो प्लाज्मिड है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएस का मतलब दैट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए, एक स्ट्रैंड हो गया सर्कुलर, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड हो गया सर्कुलर, तो दिस वन इज द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और जो प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर एक पॉइंट होता है, एक साइट होती है, दैट इज नोन एज द ओरी साइट। क्या बोलते हैं इसको? ओरी साइट बोलते हैं, ओरी साइट। फुल नेम इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फुल नेम इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो पॉइंट है जहां से ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो प्लाज्मिड है वो, एबिलिटी टू रेप्लीकेट, रेप्लीकेट बोल दे फिर डुप्लीकेट बोल दे, क्योंकि रेप्लीकेशन तब होगा तो डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, तो रेप्लीकेट फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सो नोन एज खुद ही खुद का डीएनए डबल करने लग रहा है बिना किसी चीज की सहायता से, बिना किसी चीज की हेल्प ले, तो उन्होंने द ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, तो इसको ऑटोनोमस रेप्लिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेट करने के लिए जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि इसके जो जीन होंगे प्लाज्मिड के वो बैक्टीरिया की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, बट एक तरीके से उसके बिना बैक्टीरिया सर्वाइव रह सकते हैं, और इसमें बहुत सारे जीन ऐसे भी होते हैं प्लाज्मिड में जो कैसे हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, जिनका काम भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जीन ऑफ प्लाज्मिड आर नॉन असेंशियल, नॉन एसेंशियल है, या फिर हम इसको डिस्पेंसेबल भी बोल देते हैं, यानी कि वो चीज जिसका कोई काम ना हो, यानी कि अनावश्यक हो गया ये, इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बोला गया बिकॉज दीज जीन्स आर नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जीन जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसको हम नॉन एसेंशियल फिर डिस्पेंसिबल जीन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी बोला था कि जो बैक्टीरिया है वो बिना प्लाज्मिड के सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बट प्लाज्मिड की प्रेजेंस उसकी क्वालिटी को क्या कर देगी, इंप्रूव कर देगी, तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मिड, बट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन इसकी प्रेजेंस बैक्टीरिया की क्वालिटी को क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा। इसके अलावा प्लाज्मिड किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लाज्मिड स्टेट्स कि वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पर जो प्लाज्मिड है वो दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, द फर्स्ट वन इज द फ्री प्लाज्मिड, एंड द सेकेंड वन इज द दैट इज इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। आपने कई बार टर्म सुनी होगी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे कि बीएससी एमएससी एक साथ करवा दी जाए तो इंटीग्रेटेड हो गया, एमएससी पीएचडी एक साथ करवा दी गई तो इंटीग्रेटेड हो गया, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ में होना, तो मतलब टुगेदर। तो हम फ्री प्लाज्मेट की डेफिनेशन क्या कर दें, व्हेन प्लाज्मेट फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड फ्रीली प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म है, यहां पर ये प्लाज्मिड है, किसी भी चीज से बाउंड नहीं है, तो ये हो गया आपका फ्री प्लाज्मिड हो गया। दूसरी तरफ डेफिनेशन है व्हेन प्लाज्मिड इज फ्यूज्ड
विद न्यूक्लियोइड, तब प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड के साथ के जाए, फ्यूज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे नोन एज एपिसोम, एंड दैट कंडीशन नोन एज द एपिसोम कंडीशन। तब प्लाज्मिड किसके साथ में फ्यूज कर जाए, न्यूक्लियोइड के साथ में फ्यूज कर जाए। देखिएगा, जिसे मान लो ये न्यूक्लियोइड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके बीच में प्लाज्मिड क्या कर गया, फ्यूज कर गया। दिस वन इज द प्लाज्मिड एंड दिस वन इज द न्यूक्लियोइड, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, आपका एपिसोम कहलाएगा। जो एपिसोम जो टर्म है, दैट इज गिवन बाय द जैकब एंड द वोलमैन, जो टर्म है एपिसोम, एपिसोम टर्म इज गिवन बाय किस किसने दी थी, जैकब एंड वोलमैन, जैकब और वोलमैन ने ये टर्म दी थी। ठीक है, तो ये हो गए इसकी स्टेट की, जो प्लाज्मिड है वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पहली हो गई आपकी फ्री स्टेट, जिसमें वो किसी भी चीज से बाउंड नहीं है, फ्रीली एग्जिस्ट करने लग रहा है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और दूसरा हो गया इंटीग्रेटेड, यानी कि तब वो न्यूक्लियोइड के साथ में कंबाइन हो गया, तो वो सेकेंड स्टेट हो गई, दैट इज इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बहुत सारे टाइप है, एक एक करके हमें डील करने हैं। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, कौन कौन से प्लाज्मिड की टाइप है, सबसे जो मेन, जो सबसे जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एफ प्लाज्मिड, दैट इज द फर्टिलिटी या फिर फर्टाइल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। दूसरा मैं बोल दूं टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंडेसिंग प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। इसी तरीके से टी आई पी प्लाज्मिड, ट्यूमर इंडेसिंग प्लाज्मिड, इसी का दूसरा नाम हो तो टी आई पी प्लाज्मिड। ठीक है, और आपका क्रिप्टिक प्लाज्मिड, और भी कई छोटे छोटे टाइप के प्लाज्मिड है, वो भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन है, दैट इज द एफ प्लाज्मिड, दैट इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो फर्स्ट वन हम आ जाते हैं, दैट इज एफ प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एफ प्लाज्मिड, फुल नेम क्या है इसका, दैट इज फर्टिलिटी या फिर फर्टाइल प्लाज्मिड। दिस वन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, बैक्टीरिया की सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो दिस वन आल्सो नोन एज द सेक्स प्लाज्मिड, आल्सो नोन एज सेक्स प्लाज्मिड। अब आप कहोगे कि सर क्या बैक्टीरिया में भी सेक्स होते हैं, मेल फीमेल, तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं उसके भी बात कर लेते हैं। दो तरह के टाइप होते हैं, फर्स्ट वन ए टाइप, दैट इज एफ पॉजिटिव सेल, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, एफ पॉजिटिव सेल, जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो बैक्टीरिया विच है वो एफ प्लाज्मिड नोन एज, या फिर एक्ट एज किस किस का बिहेव करेगा, डोनर, आप इसको डोनर सेल भी बोल सकते हो, आल्सो नोन एज द एफ पॉजिटिव सेल भी बोल सकते हो, आल्सो नोन एज द मेल बैक्टीरिया भी बोल सकते हो। यानी कि जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, मेल प्लाज्मिड कहलाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप आ गया आपका
सेकेंड टाइप दैट इज एफ नेगेटिव सेल, सेकेंड वन इज द एफ नेगेटिव सेल, यानी कि वो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड क्या है एब्सेंट है, तो बैक्टीरियल सेल विच लेक या फिर डोंट हैव एफ प्लाज्मिड, जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो एक्ट एज, इसको हम क्या बोल देंगे, रेसिपिएंट बोल सकते हैं, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज द एक्सेप्टर बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज द एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, और आल्सो नोन एज द फीमेल बैक्टीरिया। तो जो मेल और जो फीमेल नेस है वो किसकी वजह से है, एफ प्लाज्मिड की वजह से है। जिसके अंदर प्लाज्मिड है तो पॉजिटिव या फिर मेल बैक्टीरिया, जिसमें नहीं है अब्सेंट है तो फीमेल या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया उसको हम बोल सकते हैं। और ये जो प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड है वो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन द कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें तीन टाइप आते हैं, पैरासेक्सुअल तीन टाइप आएंगे जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्री टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज द ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये तीन टाइप आएंगे, ये पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत बोली जाती है कि यहां से हो गई थी, तो स्टार्टिंग है, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए इनको पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया। अब ये है क्या, एक बार मैं आपको फटाफट जो चार्ट मैंने बना रखा है नोटबुक में उससे मैं आपको ये समझा देता हूँ, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लेंथ हो जाएगी। यहां पर हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेशन की, कि कॉन्जुगेशन है क्या। ठीक है, मैं सिर्फ इसका आपको बेसिक बता रहा हूँ, तब डिटेल पढ़ेंगे इसके टाइप्स में तो वहां पर हम इसको अच्छे से डील करेंगे। अभी सिर्फ इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड भी है और न्यूक्लियोइड भी है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, दैट इज पॉजिटिव मेल या फिर डोनर बैक्टीरिया कहलाएगा। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया है जिसमें न्यूक्लियोइड तो है, एन न्यूक्लियोइड तो है, बट यहाँ पर प्लाज्मिड क्या है अब्सेंट है, प्लाज्मिड यहाँ पर नहीं है, तो वो चीज क्या कहलाती है, दैट इज नेगेटिव फीमेल या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहलाएगी। ठीक है, तो जिसमें प्लाज्मिड है वो मेल या फिर पॉजिटिव, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है दैट इज नेगेटिव या फिर फीमेल बैक्टीरिया कहलाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर हमने पढ़ा था कि सरफेस पे दे हैव द पिलाई, सेक्स पिलाई या फिर पीली बोलते हो, और कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। तो यहां पर मेल बैक्टीरिया पे क्या है, दैट इज सेक्स पिलाई है, जो ये ट्यूब है दैट इन्होंने द सेक्स पिलाई, इनके नंबर 4 से लेके 6 या 8 तक हो सकते हैं जो बड़े रहते हैं, और शरीर पे हमने छोटे छोटे देखे थे हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, फिम्बरी बोलते हो। तो हमें सिर्फ यहां पर बात करनी है किसकी, सेक्स प्लाई की ही बात करनी है। सेक्स प्लाई ग्रो करती है मेल बैक्टीरिया से, और ग्रो करती करती है किससे फ्यूज कर जाती है, दूसरे फीमेल बैक्टीरिया से फ्यूज कर जाती है, तो इनके बीच में एक होलो ट्यूब, एक जंक्शन बन गया, दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेशन, यानी कि जो कॉन्जुगेशन है वो क्या है, होलो ट्यूब है या फिर एक ब्रिज की तरह काम करती है। होलो ट्यूब एक्ट एज टनल बोल दें या फिर ब्रिज बोल दें, टू पास द प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बैक्टीरिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल बैक्टीरिया, तो ये इसको पास आउट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, यहां पर क्या था, प्लाज्मिड था, हमने प्लाज्मिड में बोला था कि दे हैव द ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो उसने खुद के डीएनए को ओपन किया, रेप्लिकेशन करवा दिया, आर लिखा हुआ दैट इज द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन करवाया। रेप्लिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना हुआ, तो एक कॉपी ओरिजिनल खुद के पास है और जो दूसरी डुप्लीकेट कॉपी है वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या कर दी, पास कर दी है, तो यहां से ये चीज पास आउट होके किसमें चली गई, अभी फीमेल बैक्टीरिया में चली गई।
एक कॉपी थी खुद की, एक और कॉपी बनाई रेप्लिकेशन से, एक ओरिजिनल कॉपी खुद में रखी, डुप्लीकेट कॉपी है इसको दे दी। ठीक है, ऐसे माना जैसे आपके पास में नोट्स है, एग्जाम में आपको कोई भी फ्रेंड आया बोला कि मेरे को भी नोट्स चाहिए, क्या आप उसको ओरिजिनल दोगे? नहीं, आपने फोटोकॉपी करवाई और उसको एक सेट दे दिया। ओरिजिनल आपके पास में है और जो डुप्लीकेट है वो आपके फ्रेंड के पास में चली गई, जो फोटोकॉपी थी वो वहां पर चली गई। ठीक है, तो लगभग सेम कंडीशन कुछ यहां पर भी ऐसे है। जैसे ये हो गया, डीएनए का एक्सचेंज हो गया, उसके बाद में ट्यूब यहां से सेपरेट आउट हो जाएगी। ये ट्यूब कितने देर तक बनी रहती है वो सराउंडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है, वाटर का मूवमेंट कितना है, नेसमेंट कितना है, बहुत सारे फैक्टर है जिसके ऊपर ये ट्यूब की ड्यूरेशन डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे प्रॉपरली डीएनए चला गया था कंप्लीट, अभी जाके यहाँ पर ये डीएनए क्या कर गया, सर्कुलेट हो गया, यहाँ पर ये जाके घूम गया, कोइल हो गया। तो पहले इसमें प्लाज्मिड नहीं था, तुमने इसको क्या बोला था, फीमेल या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया बोला था, लेकिन जैसे इसमें अभी प्लाज्मिड आ गया तो प्लाज्मिड आने के बाद में हमने इसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव या फिर क्या बोल दिया, मेल बैक्टीरिया बोल दिया। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते कि जो फीमेल बैक्टीरिया है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये तो पहले भी कैसा था, मेल था, और अभी भी कैसा है, मेल ही है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी अभी भी इसके पास में मेंटेन है। ठीक है, तो इस सेकेंड केस में अगर हम देखें तो फीमेल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेल में, या फिर नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो गया, फीमेल में। ठीक है, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन है फीमेल का मेल में, सेक्स का चेंज होना, दैट चेंज इन टू द सेक्स, दैट इन ऑन द सेक्स डक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सेक्स डक्शन बोल लेते हैं। ए प्रोसेस इन विच सेक्स गेट चेंज, जो सेक्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेल फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है और फीमेल मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो फीमेल है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, मेल के अंदर कन्वर्ट हुई है। तो सेक्स का कन्वर्ट होना एक से दूसरे के अंदर, दैट इन ऑन द सेक्स डक्शन प्रोसेस, और एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे के अंदर चला जाना बाय द हेल्प ऑफ द ट्यूब, दैट इन ऑन द कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन का टाइप हो गया ये, लेकिन अभी कॉन्जुगेशन की और भी टाइप है वो हम डिटेल से डील करेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज द फर्स्ट मेन टाइप, दैट इज द एफ प्लाज्मिड, जिसका काम क्या होता है, फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम होता है, कि फर्टिलाइजेशन में इसका क्या रोल होगा। तो ये सबसे मेन था पहला टाइप हमारा, दैट इज द एफ प्लाज्मिड। ठीक है, दूसरे टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज TIP प्लाज्मिड। फुल नेम इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है दैट इज प्रेजेंट इन स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट्स नेम इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। ये जो TI प्लाज्मिड है, फिर जो TIP प्लाज्मिड है वो किसमें मिलेगा, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। बैक्टीरिया जो सोइल के अंदर मिलता है, प्रेजेंट इन सोइल, और एक ऐसे बैक्टीरिया दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो डाइकोट प्लांट है उनके ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, उनके रूट पे इन्फेक्ट करते हैं और उनमें एक डिजीज कॉज कर देता है, दैट इज द क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, उस पे भी आते हैं। दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट ऑन ऑन डाइकोट प्लांट्स एंड कॉज, एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज द क्राउन गॉल डिजीज। अब इसको क्राउन गॉल डिजीज क्यों बोला वो देखते हो, कैसे होती है। जैसे मान लीजिएगा ये एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई भी प्लांट है, इसके रूट कहां पर है, सोइल में, यहां पर इस बैक्टीरिया ने यहां पर इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्फेक्ट कर दिया, तो जैसे ही इन्फेक्ट करेगा तो जो इसके वास्कुलर बंडल है वो ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर नोड
गांठ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो नोड बनी है, जो गांठ बनी है, वो दूर से एक क्राउन, एक ताज के जैसे अपीयरेंस देता है। दैट इज नोन एज द क्राउन गर्लिचेस। तो इसलिए इसको क्राउन गर्ल डिजीज बोलते हैं। तो ये डिजीज कहलाएगी क्राउन गर्ल डिजीज कहलाएगी। और ये जो बैक्टीरिया है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। तब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें प्लांट के अंदर अगर हमें किसी भी जीन को ट्रांसफर करना है, तो हम सबसे ज्यादा इसी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, बिकॉज इट कैन नेचुरली ट्रांसफर द जीन इनटू प्लांट। प्लांट में बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। ये बैक्टीरिया है और ये इसका प्लाज्मिड है, दैट इज टी प्लाज्मिड। इसमें इसका जीन हो गया टी आई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। हमने इस टी प्लाज्मिड में से जो टी आई जीन था, जो ट्यूमर करने वाला जीन था, उसको हमने कट कर दिया आर ई एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लाइज से कट कर दिया और इस हार्मफुल पार्ट को निकाल दिया। और इसकी जगह पर जो बेनिफिशियल था, जो हमारा फोरिजन जीन था, या फिर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमने यहां पर ऐड कर दिया। वो हमने यहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जिसे मान लो मैंने इस टी आई प्लाज्मिड को निकाल दिया और यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल इंसुलिन के जीन को ऐड कर दिया और इस प्लाज्मिड में ऐड करवा दिया और इस एग्रो बैक्टीरियम में फिर से इसको ऐड कर दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी भी प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। क्या वहां पर क्राउन गार्ल डिजीज होगी, क्या नोड बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि हमने यहां से क्या निकाल दिया था, टी आई जीन रिमूव आउट कर दिया था। तो वहां पर क्राउन गार्ल डिजीज अभी नहीं होगी, क्राउन गार्ल डिजीज नहीं होगी। तो होगा क्या, हमने यहां पर जीन कौन सा ऐड किया था, दैट इज इंसुलिन। अभी प्लांट के अंदर इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसको हम एज ए मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे 12th की बायोटेक्नोलॉजी में। अब इससे मैंने आपको बेसिक बताया कि टी आई प्लाज्मिड क्या होता है, तो ये हो गया आपका दूसरा, दैट इज द टी आई प्लाज्मिड। पहला था आपका एफ प्लाज्मिड। थर्ड टाइप पे आते हैं, इसी एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की एक वेराइटी और है, दैट इज एग्रो बैक्टीरियम राइजो जेन, राइजो जेन, जेड राइजो जेन, जिसके अंदर मिलता है आर आई प्लाज्मिड मिलता है। वहां पर कौन सा था, टी आई प्लाज्मिड, यहां पर कौन सा है और यहां पर कौन सा है, आर आई प्लाज्मिड है। दैट इज रूट हेयरी डिजीज कोज करेगा, ठीक है, दैट इज कोज रूट हेरी डिजीज कोज करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक आता आपका आर प्लाज्मिड, दैट इज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये था आर आई प्लाज्मिड और अभी बात आ रही है यहां पर आर प्लाज्मिड की, दैट इज रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस पावर को इंप्रूव करता है। ये बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है उनके इफेक्ट को कम करता है, इसलिए इसको आर प्लाज्मिड बोला गया, ठीक है। तो
आर प्लाज्मिड प्रोड्यूस आरटीएफ, एक फैक्टर है दैट इज आरटीएफ, दैट इज रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर, रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर विच प्रोवाइड या फिर गिव रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस देगा। एंटीबायोटिक के साथ साथ में और किससे रेजिस्टेंस देगा? अगेंस्ट यूवी रेस, उससे भी रेजिस्टेंस देगा, फॉर द हैवी मेटल्स। तो अगर हमारे पास में दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, एक तो वो जिसमें आर प्लाज्मिड है और एक सिंपल बैक्टीरिया जिसमें आर प्लाज्मिड नहीं है, और दोनों के ऊपर हमने एंटीबायोटिक डाली है, तो जिसके अंदर नहीं आर प्लाज्मिड उसकी डेथ हो जाएगी, और जिसके अंदर आर प्लाज्मिड है, रेसेंस प्लाज्मिड है, तो वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा, और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो आर प्लाज्मिड रेसेंस देगा जो उसको एंटीबायोटिक से बचाने के लिए हेल्पफुल होगा। अलग अलग तरह के प्लाज्मिड होंगे जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेसेंस प्लाज्मिड, एम्पिसिलिन रेसेंस प्लाज्मिड, एक बैक्टीरिया में दो ड्रग्स के लिए भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ये तीन मेन प्लाज्मिड के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में जो और दूसरे प्लाज्मिड है हम उनके बारे में बात करेंगे। आई होप सभी चीजें क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।